नमस्कार, मैं नफीसा और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। आज काशीराम विचार यात्रा है, यानी कि बीएसपी ने 2022 के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ ब्राह्मणों को लुझाने का पूरी पूरी तैयारियां हैं और एक तरफ विचार यात्रा निकाली जा रही है समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को एक साथ लाने के लिए, ताकि आने वाले वक्त में 2022 में बीएसपी की सरकार बन सके। आज काशीराम विचार यात्रा है तो जाहिर सी बात है कि काशीराम के बारे में बात की जाए, उनके जो जीवन यात्रा है उस पर प्रकाश डाला जाए, उनकी विचारधारा को आपके सामने लाया जाए। 15 मार्च 1934 में पंजाब के गाँव में जन्मे काशीराम का जन्म हुआ और उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित पिछड़ों और जो शोषित वर्ग के लोग थे उनको उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया और उनको संगठित करके एक ऐसी आवाज देने की कोशिश की जिससे कि बहुजन समाज बाकी अन्य समाज के बराबर आ सके और समाज में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद एक काशीराम ही थे जो दलित समाज के मसीहा माने जाते हैं, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर के बाद दलितों की, पिछड़े लोगों की आवाज़ सुनने वाला या उनकी आवाज़ उठाने वालों नेताओं का अकाल पड़ गया था, तब काशीराम ही थे जिन्होंने सड़कों पर उतरकर एक बार फिर से दलित समाज, पिछड़े लोगों की आवाज़ उठाने के लिए संघर्ष किया और उनके लिए एक ऐसी ज़मीन तैयार की जहां से वो अपनी बात रख सके और अपनी लड़ाई को लड़ सके। उसकी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से की गई, उनको एक ऐसी ज़मीन दी गई जहाँ से वो अपने हकों की लड़ाई लड़ सके। मायावती को राजनीति में लाने वाले भी काशीराम ही थे, उनको यह एहसास कराने वाले भी काशीराम ही थे कि आप दलित समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, उनको आगे तरक्की की ओर ले जा सकती हैं। काशीराम अक्सर आपने देखा होगा एक जो चर्चित तस्वीर है जिसमें वो हाथ में कलम लिए दिखाई देते हैं। वो अपने समाज को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि राजनीति का फॉर्मूला और साथ ही बहुजन समाज की ताकत का एहसास कराते हैं कि जो पैन का ऊपरी हिस्सा है, यानी कि 15% सत्ता काबिज जो लोग हैं वो आपके ऊपर निर्भर है और पैन का जो निचला हिस्सा है यानी कि 85% लोग वो सत्ता में, सत्ता को बनाने के लिए एक अच्छी भूमिका निभाते हैं और पैन स्याही से काम करता है, यानी कि अगर 85% जनता अपनी पहचान, अपनी ताकत को पहचान जाए तो सत्ता पलट सकती है। और काशीराम ये भी कहा करते थे कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। काशीराम विचार यात्रा बीएसपी निकाल रही है और लगातार जनता को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी इस बार ताकत के साथ, मजबूती के साथ मैदान में है और इस बार बीएसपी की सरकार बनना तय है। वैसे लोग उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अमित कुमार जाटव नाम है मेरा। कहाँ से? यही की रहने वाले? जी, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। आज काशीराम विचार यात्रा निकल रही, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश है मिशन 2022 और हम सर्व समाज को लेकर, हम बहुजन समाज पार्टी की जो ये विधानसभा है, मैं 300 कुछ विधानसभा है, हमें सारी जीतनी है और बहन जी को हमें बसपा जो राज लाना है 2022 में और सुरक्षित जो यूपी है, सुरक्षित यूपी बनाना है हमें। कि अभी सुरक्षित नहीं है यूपी, अभी सुरक्षित नहीं है, बलात्कार हो रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे अभी एक बलात्कार हुआ है वाल्मीकि समाज का है। आज दिन होते रहते हैं लूट, डकैती, चैन स्केचिंग, ये आज दिन रहते हैं। बहन जी का जो शासन है कड़क शासन है, बहुत ही अच्छा शासन है, कोई लूट डकैती नहीं। और जो बहन जी खुद एक महिला है और महिला होते हुए वे महिला कभी भी घर से बाहर निकल सकती है, ये बहन जी का सुशासन है। बहन मायावती आ गई तो महिलाओं की सुरक्षा अच्छी तरीके से होगी, पूर्ण महिलाओं से सुरक्षा होगी क्योंकि कड़ा शासन रहता है। बहन जी विशेष जो ध्यान रखती है, जो सुशासन पर रखती है, जो सुरक्षा पर रखती है, खासतौर पर महिला की सुरक्षा पर। और जो हमारा प्रदेश है अच्छा प्रदेश बने, पहले भी बहन जी की 4 बार सरकार रह चुकी है और मैं उसके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बहन जी का जो शासन है आज भी सब लोग याद करते हैं, बुजुर्ग। आप युवा हैं, कैसे देख रहे हैं पूरी राजनीति को? मैडम, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हम राजनीति में इसलिए आए हैं, बहन जी की सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि रोजगार मिले। ये सरकार रोजगार के वादे, रोजगार नहीं दिया, रोजगार कुछ नहीं मिला है। युवा परेशान है, रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार मांगते हैं तो लाठियों से युवाओं को पीटा जाता है लखनऊ। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हमने, तो वो
भी बताए ना कहाँ रोजगार दिया है। आप लग रहा है बीएसपी पार्टी रोजगार देगी युवाओं को। एक बार चार बार सरकार रही है, 2007 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार रही है, उसमें भी रोजगार दिया। बहन जी ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग के बारे में सोचते हैं, बहन जी सर्व समाज के बारे में सोच रही हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला 2022 में? हाथी जीतेंगी। किस आधार पे कह रहे हैं कि मायावती? क्योंकि उनका शासन सबसे बढ़िया रहा है, पीछे भी आप देखते हुए आए हो, सबसे बढ़िया शासन चला है। माता बहनों की और प्रशासन की जो उनमें जबरदस्ती है वो किसी उसमें नहीं है पार्टी में। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार का जो शासन काल रहा है उससे बेहतर कोई सरकार कर ही नहीं पाई। आपने खुद, आप मीडिया वाले हैं, आप खुद जानते हैं कैसा शासन चला है। एक धेले का शासन नहीं है, सबकी नौकरी वगैरह ये सब खत्म हो चुकी है। तो बहन जी, कानून व्यवस्था तो अच्छी की गई नहीं है? कानून व्यवस्था कहाँ है? लेडीजों पे अत्याचार, ये सब अगड़म, खेचातानी सब कुछ है। युवा है, आपको रोजगार मिला? पहले तो ये बताइए। नहीं मिला मैम। लेकिन वो दावा कर रहे कि हमने रोजगार दिया है। पर ये सरकार तो हमेशा झूठे ही वादे करती आई और झूठ के ही कागार पे ये बनी और झूठ के सहारे ये चल रही है, झूठ पे टिकी हुई है। इसका एक भी मुद्दा ना ही सत्ता के खिलाफ है और ना ही ये सच पे कोई सरकार चलती है और ना ही वर्तमान में दिखाती कुछ और करती कुछ और है। मोदी सरकार सर झूठ है, मोदी सरकार पार्टी धोखा दे रही है लोगों को। हम झूठे कैसे हैं? इन्होंने कहा था शुरू में जब 2014 में आ गया 15 लाख, वो गरीब जनता के 15 लाख कहाँ हैं? इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को नौकरी रोजगार देने की बात कही थी, अब बाद में कहे कि पकौड़े तलो। क्या युवा जो निर्भर बना रहे हैं और रोजगार भी दिया है? मैडम लग रहे हैं बड़े बड़े। नहीं कोई आपको रोजगार मिला? नहीं नहीं, किसी को रोजगार नहीं मिला है। मजदूर को अपनी मजदूरी भी नहीं मिल रही है पूरी। मजदूर को अपनी मजदूरी पूरी नहीं मिल रही। बहुजन समाज पार्टी सारा बहुजन समाज पार्टी हमेशा सब जमाने के हित में कार्य करती है। वो कोई भेदभाव, कोई जाति भेदभाव, वो पक्षपात नहीं करती। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो जातिवाद की राजनीति कर रही है। बीजेपी के हमेशा ही मानसिकता ये रही है कि फूट डालो राज करो। ये सरकार आई थी रोजगार के नाम पे, केवल 2 भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में इसने कराई है, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। युवा रोजगार मांग रहे थे, लखनऊ की सड़कों पे उन्हें पीटा जा रहा है। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो उनको पीटा जा रहा है। आपने आर्टिकल देखा होगा, यूपी सरकार ने एक आर्टिकल छापा जिसमें राकेश टिकैत के बाल पकड़ के उसको खींचा जा रहा है कि बक्कल उखाड़ देंगे। तो ये इस सरकार की मानसिकता है, इस सरकार की मानसिकता है कि किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को इनका बक्कल ही उतारा जाएगा इस सरकार में। आप क्या सोच रहे हैं कि आप 2022 में क्या करने वाले हैं? 2022 में बहन जी की सरकार आएगी। कैसे आएगी, क्या मतलब, क्या लग रहा है कि आएगी? मुकाबला तो बहुत है। इतना बीजेपी सरकार इतना अत्याचार पब्लिक पे कर रही है, इसलिए बीजेपी सरकार नहीं रहेगी आगे से। मोदी सरकार कतई नहीं रहेगी और 22 में जो है बहन जी की सरकार आएगी। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं हम फिर से आ रहे हैं। वो दावा तो करते रहते हैं, हर आदमी दावा करता है, पर हम भी दावा कर रहे हैं, हम आएंगे। किस आधार पर आएंगे अगर बीएसपी? हाँ। दावा तो ये है, दावा जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, जितने वादे किए थे कोई भी वादा इनका सक्सेस नहीं हुआ है ना, इसी वजह से हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। दोबारा से आएंगे हम लोग। दावा तो रोजगार, आप युवा रोजगार मिला आपको, पहले तो ये बताइए। सभी को जय भीम नवोदय। आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी हम लोगों की कमियां तो बहुजन ही दिखाता है। बहुजन टीवी, बहुजन पत्रकार जो भी हो वही दिखाएगा, अदरवाइज कोई भी चैनल रह जाएगा, कोई बहुजन की तो एक भी कमी दिखाई नहीं सकता। बहुजन चैनल सबकी समस्या दिखाता है, जो हकीकत है उसको निकालने की। बहुजन चैनल जो है वो ही दिखाता, अदरवाइज जितने भी चैनल है सब बीजेपी से है। चलिए मुद्दे पर आइए, क्या लग रहा है 2022 में कौन जीतने वाला है? 2022 में फुल बहुमत के साथ बीएसपी सरकार आनी है। कैसे आनी है? वो तो विकास का दावा कर रहे हैं, हमने विकास किया बहुत। विकास क्या, ये मनुवादी वाली सरकार जो है, ये मनुवादी वाली सरकार जो झांसे में फांसती है ब्राह्मणों को, उनका शासन हटा के ऐसा करती है, ब्राह्मण ठाकुरों को साथ लाती है। तो अब क्या जो है, इस पे से विश्वास ब्राह्मणों का भी हट चुका है। अब क्या ब्राह्मण 100% हमारी तरफ आ रहे हैं। आपकी बात, बीएसपी सरकार 100% 2022 के अंदर आनी है, कोई भी ऐसी नहीं है जो उसको रोके। बताइए, आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, आप अलग अलग अन्य समाज को लाने की एक साथ बात कर रहे हैं, आप विकास की बात क्यों नहीं कर रहे? आप मुद्दों को विकास क्यों नहीं करा? विकास 2014 से, अब तो 5 साल से भी बीएसपी चल रही है। बीजेपी जो जमीनी मुद्दे वो गायब दिखाई दे रहे हैं। हम हर चीज नहीं जाते बात, हम हर चीज पे मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार का हो, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, कोई भी चीज हो, महंगाई हो, हम हर चीज पे
समस्या पे हर चीज पे जिक्र करते हैं और सरकार को विपक्ष दिखाई नहीं दिया ना, तो विपक्ष मीडिया को दिखाता ही नहीं है ना मैम। नहीं अगर देखिए जो जयप्रकाश जी इतना बड़ा काफिला ने बादलपुर से स्टार्ट किया, गौतम बुद्ध नगर जिले में घुमाया, बुलंदशहर में घुमाया, हापुड़ में घुमाया, मेरठ में घुमाया, कहीं मनुवादी मीडिया ने कोई सीन या कहीं भी आपने खबर देखी किसी चैनल पर? हमारे इस संघर्ष को मनु मीडिया आज भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो हमारे प्रयास या हमारे जिस चीज़ पर उनका घेराव करेंगे उसको कहाँ से दिखा देगा मैम? ये तो हम सबको युवाओं को देखना है कि हमें अपनी लड़ाई, जैसा कि आज तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ते आए हैं, हमें आगे भी इसी तरह लड़ते रहनी है। हमें इन RSS के भगवाधारियों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। RSS को 2022 में इसका जवाब जरूर मिलेगा। साहब आपकी काशीराम विचार यात्रा चल रही है लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ने रोका है, क्या कुछ हो गया? देखिए पुलिस ने नहीं रोका है, एक्चुअली जो हमारा जो लेटर SSP और DM साहब को जो हमारे भाई साहब ने दिया था वो चीफ सेक्रेटरी से जो हमें प्राप्त हुआ है उनके पास वो अभी तक पहुंचा नहीं था, वो हमने पहुंचा दिया है, उनको व्हाट्सअप कर दिया है, उन्होंने व्हाट्सअप देखने के बाद वो हमारी थोड़ी बहुत देर में यहाँ से निकाल देंगे रथ यात्रा। अभी कुछ वक्त के लिए रोका गया? मतलब रोका नहीं है, बस वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है और एक तरफ विचार यात्रा चल रही है, क्या मतलब दो तीर से एक निशाना खेलेंगे आप BJP को मारने के लिए? देखिए ये तो वही बात हुई, ये बहन जी हमारी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सेवाय के आधार पर जो हमारी राजनीति करती हैं और उनका शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय का मतलब है ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण समाज अलग है, OBC समाज अलग है या SC अलग है, ST अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्व समाज से ही मिलकर शासन चलता है और बहन जी उसी रास्ते पर 2007 में चली थी और उसी रास्ते पर हम अब 2022 में चल रहे हैं और निश्चित हम जीतेंगे। तो पहिया वापस घूम रहा है ना? कैसे घूम रहा है? सोशल इंजीनियरिंग लेकर आप चले थे, वही मुद्दा आप लेकर आप? देखिए मैं बताता हूँ कि बात यह है कि बहन जी का जो राजनीति करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, वो हर किसी के दिमाग में बात नहीं आती है और इस बार हम बहुत अच्छी पोजीशन में जीत रहे हैं, इसलिए विपक्ष के पैर उखड़े हुए हैं हमारी होड़ों से। हमने काशीराम विचार यात्रा शुरू करी, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी, मिश्रा जी ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया, अखिलेश जी ने और इन्होंने सब ने ब्राह्मण सम्मेलन, तो सब लोग बहन जी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के माध्यम से आपने 2007 में एक तरफा यानी कि बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, क्या लग रहा है वो अब भी बना? बहुमत के साथ हम 350 सीट जीत रहे हैं, पक्का जीत रहे हैं। मतलब ब्राह्मण सम्मेलन के माध्यम से आप सत्ता तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण सम्मेलन ही हमारे साथ है, बहुजन समाज के माध्यम से। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण सम्मेलन ही चल रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन मिश्रा जी कर रहे हैं, OBC का सम्मेलन हमारे भीम राजभर जो प्रदेश अध्यक्ष है बसपा के वो कर रहे हैं, जाट समाज को हमारे धर्मवीर चौधरी जी देख रहे हैं और दलित समाज में जो हमारी बहन जी हमारी नेता हैं जो 42% वोटों के साथ आज भी पूरे बदबूते के साथ खड़ी हैं और हमारा विकास जो काशीराम विकास यात्रा जो चल रही है ये हम पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में घुमाने का काम करेंगे और ये संदेश देने का काम करेंगे कि ये जो लोग कहते हैं कि बसपा खत्म होगी, देखिए अब से 20 दिन पहले ये बसपा को लोग कहते थे बसपा खत्म हो गई, बसपा कहीं भी नहीं है, लेकिन जब से बहन जी ने ब्राह्मण सम्मेलन और ये OBC का सम्मेलन का जो घोषणा करी है उसके बाद मीडिया ने बसपा को जो कहीं भी नहीं दिखाती थी दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है और जब हमारी ये किसान काशीराम विचार यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में जाके अपना संदेश देने का काम करेगी और बहन जी के द्वारा किए गए कार्यों को जनहित तक पहुँचाने का काम करेगी तो हम निश्चित ही पहले नंबर पर आकर 350 सीट जीतने का काम करेंगे। सम्मेलनों से यात्राओं से क्या जो संदेश आप देना चाहते हो जनता तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल जनता तक पहुंच रहा है, देखिए आपके काफिला दिखाइए, पीछे दिखाइए, देखो कितना सारा काफिला है, इधर देखिए कितना सारा काफिला है, ये संदेश है नहीं क्या? ये संदेश है, लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। मुकाबला बहुत तगड़ा है, एक तरफ अखिलेश जी भी मैदान में, योगी जी पहले ही दावा करते हैं हमारी अच्छी पकड़ है यूपी के अंदर, योगी जी की कोई पकड़ सकड़ नहीं रही, अब सब खत्म हो चुका है, योगी जी की 5 साल की शासन भी अभी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है और जनता बिल्कुल एकदम तराई तराई है क्योंकि जो लोअर क्लास का और मिडिल क्लास का आदमी है जो लोग हैं उनका शिक्षा और बेरोजगार खत्म हो चुका है। शिक्षा नहीं है, बेरोजगार नहीं है, इसका जवाब योगी जी को जनता 2022 में देगी। जनता देगी जवाब उल्टा, जनता इनको जवाब देगी, इनको हराएगी और बहन जी के शासन को। बहन जी ने शिक्षा पे बहुत सारा काम किया, बहन जी ने रोजगार दिए, जो भी काम किया नंबर वन का किया, आज बहन जी के शासन को लोग दोबारा से याद करने के बाद बोल रहे हैं कि हमें 2007 वाला शासन चाहिए और लोग तत्पर हैं कि 2022 का चुनाव जल्दी से जल्दी आए और हम बहन जी को इस सूबे की योगी सरकार में उत्तर प्रदेश को नंबर वन का खिताब मिला है। ये नंबर वन उनके कहने से नंबर वन नहीं होता, नंबर वन कहने से जनता अगर नंबर वन करती है तो जनता नंबर वन करने के बाद ही नंबर वन होता है। मैं बोल रहा हूँ मैं यूपी का टॉप नेता हूँ, नहीं है
जब तक मुझे जनता नेता नहीं बनाएगी मैं नेता नहीं बनूंगा। तो हम मैं अपने आप दावे इस बार मायावती को नेता बनाने वाले बिल्कुल मैं नेता बनाने वाली हैं। फिल्म मेजोरिटी में आ रहे हैं यानी तुम देख लेना आज मेरा इंटरव्यू, आज मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। जिस दिन बहन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पांचवी बार बनने का काम करेंगे मैं दोबारा से आपके इस टीवी पे दोबारा से आके लाइव करूंगा। बीएसपी के जातिवाद के अलावा क्या मुद्दे, जमीनी जो मुद्दे वो भी होंगे, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, अन्य मुद्दे? मैं बताता हूँ, बहन जी ने अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जातिवाद पे ही कोई हमारे यहाँ सम्मेलन या हमारी राजनीति हो रही है। महंगाई का मुद्दा भी हम उठाते हैं, शिक्षा का मुद्दा भी हम उठाते हैं, बेरोजगारी का भी हम मुद्दा उठाते हैं, सब चीज का मुद्दा उठाते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर भी बात होगी? देखिए महिला सुरक्षा की बात आप कर रही हैं, जब बहन जी का शासन काल रहा है, जब बहन जी का शासन काल रहा है तो महिला इतनी सुरक्षा में थी कि अगर 1 बजे भी 2 बजे भी 4 बजे भी 5 बजे भी अगर रात को कोई महिला जा रही है तो किसी की औकात नहीं जो उस महिला की तरफ को कोई आंख उठाकर देख ले। इतना लॉ एंड ऑर्डर था बहन जी के शासनकाल में, क्योंकि बहन जी खुद महिला हैं, उन्हें पता है कि महिलाओं का कैसा सम्मान और कैसा आदर सम्मान किया जाता है।